नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अनामिका झा। नजफगढ़ गोपाल नगर में साधु वेश में आए तीन लुटेरों ने एक युवक से 11 लाख रुपए लूटे। नजफगढ़ गोपाल नगर में एक घर में साधु वेश में पूजा करने पहुंचे तीन लुटेरों ने डेयरी मालिक से 11 लाख रुपए लूट लिए। द्वारका एडिशनल डीसीपी आरपी मीना ने मीडिया समक्ष बताया, पीड़ित युवक पवन, जो मूल रूप से रोहतक का रहने वाला है, अपने परिवार सहित नजफगढ़ के गोपाल नगर में दूध के डेयरी चलाता है। कुछ दिनों से उसके काम में घाटा होने के कारण उसके भांजे प्रवीण ने उसे संत चांद से पूजा पाठ करवाने के लिए कहा। दो दिन बाद उसके घर पर तीन साधु वेशधारी युवक पूजा करने आए। जैसे उन्होंने पूजा पाठ शुरू किया, तभी पवन के बड़े भाई की लड़की की शादी के लिए एक युवक ने पवन को 5 लाख रुपए दिए, जिसे लेकर पवन अपने कमरे में रखे बैग, जिसमें पहले से ही 6 लाख रुपए पड़े थे, उसके अंदर रख दिया। तभी साधु ने से पूजा मुहूर्त का समय निकल जाने की बात कहते हुए पवन को घर के सारे पैसों को चौराहे पर ले जाकर उनकी पूजा करने के लिए कहा। तभी पवन बैग में रखे सभी पैसों सहित उनके साथ गाड़ी में बैठ गया। आगे चौराहे पर जाकर साधु वेशधारी बदमाशों ने पिस्तौल दिखाते हुए उससे बैग छीनते उसे गाड़ी से बाहर धकेल दिया। पवन के शोर मचाने पर उसके परिचितों ने बाइक द्वारा पीछा किया। काफी दूर आने पर दिचाव नाले के पास बदमाशों की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। लोगों ने गाड़ी चालक को दबोच लिया। अन्य लुटेरे पैसों का बैग लेकर खेतों की तरफ भाग निकले। मौके पर पहुंची पुलिस ने 2-3 घंटे तलाश कर उन खेतों के अंदर छुपे याकूब नाम के बदमाश को दबोच लिया, जिसके पास से पुलिस ने 5,51,000 रुपए बरामद करते हुए देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस सहित दो और बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त हुई गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया है। पकड़े गए तीनों आरोपियों में से गाड़ी चालक कृष्ण उमर 38 सोनीपत से है और याकूब उमर 27 साल दौलताबाद महाराष्ट्र से है और तीसरा आरोपी वाजिद उमर 27 साल यूपी के मोहम्मद नगर का रहने वाला है। डीसीपी आरपी मीना ने फरार चल रहे संत चांद के जल्दी पकड़े जाने के आसार जताए हैं। बाबा हरिदास नगर पुलिस ने 225/19 मामला दर्ज करते हुए 392/397/34/25 आर्म्स एक्ट के तहत आरोपियों से गहन पूछताछ में जुटी है। इस घटना से पहले बदमाशों ने और कितनी वारदातों को अंजाम दिया है, इस तरह पुलिस ने बदमाशों को दबोचते हुए जेल की सलाखों के अंदर पहुंचा दिया है। द्वारका डीसीपी मीना ने लोगों से अपील करते हुए कहा, आस्था के नाम पर आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं के चलते हमें सबक लेते हुए सतर्क रहने की अत्यंत आवश्यकता है। अपनी सुरक्षा अपने हाथों ही संभव है। दिल्ली से अनीता गुलेरिया की रिपोर्ट। रोहतक हरियाणा के रहने वाला है। इसकी दूध की डेयरी थी और उस डेयरी में काफी घाटा हो रहा था इसको लगातार, तो इसने अपने दोस्त से सलाह दी कि मैं क्या करूं। तो उसने बताया कि एक बाबा है जो वहां पे पूजा कराते हैं, उससे आपको इसमें फायदा होने लगेगा। तो तीन लोग इसके घर पे 22 मई को आए और उन्होंने साथ चलने के लिए इसको बोला। तो इसके पास में बैग में पैसे रखे हुए थे, तो जल्दीबाजी में वो उन पैसों को अपने साथ ले गया। आगे जाके रस्ते में इन्होंने उसको एक थप्पड़ मारा और उसको उतार दिया और इस पैसे को लेके ये गाड़ी के साथ भागने लगे। तो आगे जाके उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। तो वहां जाके इस घटना पे उसने शोर मचाया, तो उसके दोस्त और हमारा थाने का स्टाफ प्लस पीसीआर का स्टाफ, इन सब ने उनको काबू किया। तो इसमें एक आदमी जिसका नाम कृष्ण है, उसको सबसे पहले पकड़ा। कृष्ण जो कि गांव सेहरी डिस्ट्रिक्ट सोनीपत का रहने वाला है, उसके दो साथी याकू और बाजिद, इनको पकड़ा और उनके कब्जे से 5,51,000 रुपए की रिकवरी हुई है। साथ ही साथ जो शिफ्ट कार थी उसको भी हमने कब्जे में लिया है और एक देसी कट्टा और एक जिंदा राउंड उनसे बरामद हुआ है। आगे जो बाबा के बारे में बात कर रहे थे, उसकी तलाश जारी है।